देखिए इस वीडियो में आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी। ये तस्वीरें शायद किसी की शादी है, ये आप पहचान रहे होंगे। ये शादी की तस्वीर है और बिना लगन के शादी की, चट मंगनी और पट ब्याह। बिहार की कुख्यात बाहुबली गैंगस्टर अशोक महतो ने दिल्ली की लड़की से शादी रचा ली है। मंगलवार की रात अशोक महतो ने मंदिर में अनीता कुमारी के साथ शादी की है। उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट से राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट हो सकती है। मीडिया में ऐसी चर्चा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सलाह पर अशोक महतो ने अनीता से शादी की है ताकि वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सके। बिहार के सबसे दुर्दांत अपराधियों में से एक अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में ब्याह रचाई है। चर्चा ये है कि 3 दिन पहले लालू यादव ने अशोक महतो को बुलाकर कहा कि मुंगेर से चुनाव लड़ने की तैयारी करो, लेकिन दर्जनों बेहद संगीन मामलों का अभियुक्त अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता था, लिहाजा आनन फानन में लड़की की तलाश की। जैसे ही लड़की तैयार हुई, बिना लगन और बिना मुहूर्त देखे खरमास में ही अशोक महतो ने ब्याह रचा लिया। अब अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर से राजद की ओर से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। बता दें कि ये वही अशोक महतो है जिस पर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। कई नरसंहार के अभियुक्त अशोक महतो को बड़ी मशक्कत के बाद तत्कालीन एसपी अमित लोढ़ा ने पकड़ा था। वह 17 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुआ है। करीब 3 महीने पहले 10 दिसंबर 2023 को वो जेल से छूटा है। उसे राजद प्रमुख लालू यादव ने बुलाकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। आनंद फानन में शादी कर पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की गई है। लालू यादव की ओर से टिकट का ऑफर मिलने के बाद अशोक महतो 3 दिनों से तावतोड़ लड़की तलाश कर रहा था, लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी। अब उसकी शादी की तस्वीर सामने निकल कर आई है। पता चला है कि मंगलवार की देर रात अशोक महतो ने शादी कर ली है। अशोक महतो के करीबियों ने बताया है कि लड़की लखीसराय की है और बख्तियारपुर करोटा में शादी हुई है। अशोक महतो ने 46 साल की अनीता से शादी की है। अनीता मूल रूप से लखीसराय के सूर्यगढ़ प्रखंड के बंसीपुर हेमाजापुर की रहने वाली है। उसके पिता हरि मेहता पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, लेकिन बाद में पूरा परिवार दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो गया। अनीता अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहती है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। अनीता समसवार कुर्मी समाज से है। अशोक महतो धानुक जाति से आता है। दरअसल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में धानुक जाति के वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। वहां से जदयू के टिकट पर ललन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ललन सिंह को टक्कर देने के लिए कुख्यात अशोक महतो को चुना गया है। राजद को यकीन है कि धानुक और यादवों की जुगलबंदी से मुंगेर में नया समीकरण बन सकता है। अशोक महतो बिहार के सबसे कुख्यात अपराधियों में शुमार रहा है। उस पर ही वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। ये वेब सीरीज सुपर हिट हुई थी। कुख्यात अशोक महतो पर कई नरसंहारों को अंजाम देने का आरोप है। इनमें सबसे भयानक है कि अबसर नरसंहार 11 मई 2000 की रात ननुहाल सिंह के पूरे परिवार के 15 लोग छत पर सो रहे थे। परिवार के लोगों की आंख लगी ही थी कि अचानक अशोक महतो 50-60 अपराधियों के साथ पहुंचा और तबतोड़ गोलियां बरसाने लगा। अशोक महतो ने 8 मिनट में 300 राउंड से अधिक फायरिंग कर दी। परिवार के जो लोग गोलियां से बच गए हैं उन्हें तलवार से काट दिया गया था। अशोक महतो ने 11 लोगों को मार डाला। मरने वालों में 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक थे। अशोक महतो ने 2001 में नवादा के जेल ब्रेक कांड को भी अंजाम दिया था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल के गार्ड और सिपाहियों की हत्या कर दी थी और वहां से भाग निकला था। अशोक महतो और उसके गिरोह पर 2005 में तत्कालीन सांसद राजू सिंह की हत्या का भी आरोप था। अशोक महतो गिरोह ने शेखपुरा जिले के अरियारी प्रखंड के मणिपुर गांव में निर्दोष और निहत्ते 7 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। 21 मई 2006 को हुए इस नरसंहार को अशोक महतो ने इसीलिए अंजाम दिया था क्योंकि उसे शक था
कि गांव के लोगों ने उसके बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। अशोक महतो पर 2004 में से एक पूरा वीडियो अशोक राजवत्स की हत्या का भी आरोप है। अशोक महतो पर तत्कालीन विधायक रणधीर कुमार पर हमला का भी आरोप है। 22 अगस्त 2012 को तत्कालीन विधायक रणधीर कुमार शेखपुरा से अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे, रास्ते में विधायक पर केन बम ब्लास्ट हमला कर जाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में नवादा जेल ब्रेक कांड से सजायाफ्ता कुख्यात अशोक महतो सहित अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। बता दें कि बिहार में अशोक महतो से पहले भी एक कुख्यात ने चुनाव के लिए शादी की थी, इतिहास फिर से दोहराया है। सिवान के कुख्यात अजय सिंह ने चुनाव से पहले खरमास में ही शादी कर ली थी। अजय सिंह और कविता सिंह की शादी का एक दिलचस्प किस्सा भी है। सितंबर 2011 में जब अजय सिंह की विधायक में मां जगमतो देवी की मौत हुई तो अजय सिंह ने बिहार के दरौंदा से चुनाव लड़ना चाहा। जब अजय सिंह ने नीतीश कुमार से उसकी बात की तो उन्होंने अजय सिंह को क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए टिकट देने से मना कर दिया। तब नीतीश ने अजय सिंह से कहा था कि अगर वो शादी कर ले तो उसकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। उसके बाद अजय सिंह ने शादी के लिए इश्तेहार दिया था जिसमें ये भी बताया कि कैसी पत्नी चाहिए, लड़की का नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना होना चाहिए, राजनीतिक परिवार से हो तो और ज्यादा बेहतर है। आखिरकार एक मुखिया की बेटी का रास्ता मेल खा गया और उन्होंने कविता से शादी कर ली। बाद में कविता सिंह विधायक और फिर सांसद बनी तो इतिहास एक बार फिर से दोहराया है। राजनीति का चक्कर है भाई, राजनीति के चक्कर में कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसी राजनीति के चक्कर में कुख्यात अपराधी अशोक महतो 62 साल की उम्र में शादी की है। शादी ऐसी हुई है कि ना तो लगन देखा गया, ना मुहूर्त देखा गया, चट मंगनी पट ब्याह सिर्फ चुनाव के लिए बिना मुहूर्त के की गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।